गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज हम क्या करेंगे मैथ्स में, बिफोर एंड आफ्टर और पुट साइन। साइन हमें लगाने हैं जो बड़ा होगा उसके सामने कौन सा लगाते हैं, और जो छोटा होगा ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल देन। जो इक्वल होगा उसके साथ हम ओनली इज इक्वल का साइन लगाते हैं, ये सबको पता ही है। और जो ग्रेटर होता है, जो बड़ा होता है, उसके सामने हम जो जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है वो किसकी तरफ लगाते हैं, जो बड़ा होता है उसकी तरफ, और जो छोटा होता है उसकी तरफ। ये और बिफोर आफ्टर आपको पता ही है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में मैंने लिखा है 199 से पहले क्या आता है, तो 9 से पहले क्या आता है, 8 आता है, तो 198 आ जाएगा। ओके, अब 99 के बाद में क्या लिखते हैं हम, 99 के बाद में सीधा 100 लिखते हैं, तो 100 तो नहीं आएगा ना, यहाँ 199 है, तो 199 के बाद 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो हम यहाँ पे 200 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है 71। 71 से पहले क्या आता है, 1 से पहले 0, तो 71 के बाद में क्या आता है, 72। ओके, 72 लिख देंगे हम यहाँ पे। और 161 कितना लिखा हुआ है मैम ने यहाँ पे, 161, तो 61 से जस्ट पहले क्या आएगा, 61 से पहले क्या आता है, 1 से पहले 0 आता है ना, तो 160। और 161 के बाद, 61 के बाद 1 के बाद 2, 61, 62, 63 ऐसे ही चलता है ना, 161 के बाद में 162। ओके, नेक्स्ट हमारा है 200 से पहले क्या आता है, जैसे 100 से पहले क्या आता है, 99 आता है, तो 200 से पहले 199 क्या आ जाएगा, 199। फिर 200 के बाद में 201। ओके, नेक्स्ट है 101 से पहले क्या आता है, 100, तो हम क्या लिखेंगे, 100। ओके, और 101 के बाद में 102। ओके, क्लियर है, 100 101 and 102। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 180 से पहले, 79, तो 179। नेक्स्ट है 180 के बाद में 181। 90 से पहले 90, 90 से पहले 0 से जस्ट पहले 9, 10 से पहले 9 आता है, तो और 9 से पहले 8 आता है, तो 89, 90, 91। ओके, ऐसे ही 110, 10 से पहले 9, 109, 110, 10 के बाद में 11, तो 111, 109, 110, 111। नेक्स्ट है 59 से पहले 58, 9 से पहले 8 आता है तो 58 हो जाएगा, और 59 के बाद में 60। ओके, 60। अब 100 से पहले भी क्या आएगा, 99, और 100 के बाद में 101। ओके, तो ये हमारा बिफोर और आफ्टर कंप्लीट होता है, 198, 199, 200, 70, 71, 72। हम बताना चाहिए इनसे पहले 61 से पहले 60 आता है, 61 के बाद 62 आता है, ऐसे ही 199, 200, 201, 100, 101, 102। नेक्स्ट भी ये ऐसे ही है। और अब हमें क्या करना है, साइन लगाने हैं इसमें, ये जो हमने साइन दिए हुए हैं
वो इनमें जो फिलअप जो है यहाँ हमें फील करना है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम हमेशा माउथ ओपन जो साइन होता है वो लगाते हैं. ओके, क्या ग्रेटर देन है, जैसे 70 है 70 और 69, तो 69 70 ग्रेटर देन 69 है ना, तो 70 इज ग्रेटर देन 69, मतलब इससे ये बड़ा है, 70 बड़ा है और 69 छोटा है. ओके, 70 किससे बड़ा है, 69 से. ओके, अब ऐसे ही इसमें हमें करना है 36 और 39, तो 39 बड़ा है ना, इसकी तरफ मुंह खुला वाला साइन बना देंगे. ओके, जो बड़ा होता है उसके सामने माउथ ओपन वाला साइन बनाते हैं. अब 100 बड़ा है या 99, 100 या 99, 99 से तो 100 बड़ा है ना, देखो इसमें तो 3 डिजिट है, इसमें 2 ही डिजिट है, तो 100 को हम इस ये वाला साइन लगा देते हैं. नेक्स्ट है 30 27, तो 30 तो बड़ा है ना 27 से, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे है ना, माउथ ओपन वाला, जो बड़ा होता है उसके तरफ माउथ ओपन वाला साइन लगाना है. ओके, जस्ट 75 76 75 बड़ा है 76, 5 से बड़ा तो 6 है ना, इसकी तरफ माउथ ओपन वाला लगा देते हैं. ओके, नेक्स्ट है 86 68, तो 88 पहले आया है, 6 यहाँ 6 पहले आया है, तो कौन सा बड़ा हो गया, 86 86 से साइन लगा दो. फिर 93 39 93 और 39 में 93 बड़ा है, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे है ना. अब 35 और 35 तो दोनों क्या है, इक्वल है, सेम ही तो है ना, सेम है, तो हम इक्वल का साइन लगा देंगे. नेक्स्ट है 42 एंड 46, 42 और 46 में से कौन सा बड़ा है, 46, तो इधर वाला साइन लगाना है. 15 और 15 में कौन सा बड़ा है, दोनों इक्वल है, कोई भी बड़ा नहीं है कोई भी छोटा नहीं है, तो क्या करेंगे हम इज इक्वल का साइन लगा देंगे. ओके, तो क्या करेंगे, इज इक्वल का साइन लगा दिया. तो आज का हमारा बिफोर आफ्टर और क्वेश्चन साइन जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है. आपको अपनी नोटबुक में 2 times ये करना है और मैम को सेंड करना है. ओके, बाय बाय, टेक केयर. ओके.